मैं हूं अमित गर्ग डिस्कवर उत्तराखंड मैगजीन से और हम लोग आज उत्तराखंड के अंदर वेलकम कर रहे हैं हमारी उत्तराखंड की अपनी बेटी चित्रांशी रावत का। थैंक यू सो मच। ओह ग्रेट, थैंक यू सो मच चित्रांशी, आप आई उत्तराखंड में, बहुत अच्छा लगता है। और कैसा लगता है आपको बॉम्बे रह के, आप देहरादून को मिस करती हैं? पहाड़ जैसे बॉम्बे में तो इतना ट्रैफिक होगा डेफिनेटली। देखो बॉम्बे में ट्रैफिक है पर देहरादून में कम नहीं है इस मामले में क्योंकि जिस तरीके से देहरादून बढ़ रहा है यहाँ पे ट्रैफिक भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। सो ऑफ कोर्स बट यस आई डू मिस देहरादून अलॉट। मुझे देहरादून एक्चुअली में बहुत पसंद है, उत्तराखंड मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। यू नो तो मेरा आना जाना साल में कम से कम 3 से 4 बार हो जाता है, कभी किसी इवेंट के लिए, कभी घर आई हूँ मिलने के लिए, या कभी क्या है पहाड़ जाने का मन करता है यू नो बॉम्बे से। तो बस यही होता है कि निकले हो तो सीधा फिर घूमने फिरने निकलो। आप अभी रिसेंटली 3 महीने पहले देहरादून आई थी एक मूवी की शूटिंग करने के लिए, क्या है ये कुछ बताइए ना उसके बारे। तो ये मूवी है सुपरनैचुरल थ्रिलर है, इसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो काफी कूल है। इसमें आई एम प्लेइंग टैरो कार्ड रीडर, सो मेरा गेटअप वेटअप एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट, काफ़ी अलग थोड़ा सा है एंड स्पूकी क्योंकि सुपर नेचुरल है तो थोड़ा स्पूकी है। वो है हरीश व्यास हैं डायरेक्टर इसके, और ये फिल्म आई थिंक इधर एंड ऑफ दिस ईयर और मे बी आई थिंक बिगनिंग ऑफ द ईयर शायद वो रिलीज कर देंगे फिल्म को। सो आना जाना तो रहते ही अभी एक्चुअली 1 महीना पहले फिर आई थी मैं यहाँ पर। मुझे सीएम सर जो हैं अभी हमारे उनसे नारी शक्ति का अवार्ड मिला था, उसमें हिमानी जी भी थी, मैं थी, काफी हमारे उत्तराखंड के और भी जितने आर्टिस्ट हैं भरे पड़े हैं उत्तराखंड। अच्छा एक चीज बताओ, चलो तुमने आर्टिस्ट की बात करी, आई जस्ट वांट टू आस्क, हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बॉम्बे के अंदर जाके, यू नेम एनीबॉडी फॉर दैट मैटर, लेकिन उनको उत्तराखंड के अंदर इतना वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता, क्या रीजन है इस चीज का? आई थिंक हमें थोड़ा सा इस तरफ काम करने की जरूरत तो है, हालांकि गवर्नमेंट ने अच्छी फिल्म पॉलिसीज बनाई है यहाँ पे, जो इसी वजह से बहुत सारी जो फिल्में हैं अब बड़ी बड़ी फिल्में हैं, इवन वेब सीरीज भी हैं जो शूट होने लग गई हैं, उनको काफ़ी ना कि यहाँ के लोकल लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एक्टर्स को भी यस थोड़ा सा और पुश करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे बहुत अच्छे जानकार हैं, उन्होंने हमें बताया कि जो यहाँ के सूचना अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि हम पॉलिसी में ऐड कर रहे हैं कि अगर आप हमारे यहाँ के उत्तराखंड के एक्टर्स को लेते हो और 70-80% अगर हमारे यहाँ शूट करते हो तो एक्टर्स की फीस भी उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। सो वी आर रियली होपिंग कि ये सारी चीजें होती रहे और हम सिर्फ देहरादून में और अपने काम मिलता रहे करते रहे और हमारे जितने, क्योंकि देखो कलाकार देहरादून से इतने सारे हैं और सब बहुत अच्छे कलाकार हैं, सबको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, एक अपने स्टेट का होता है क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है। यू नो जैसे महाराष्ट्र में आप देखते हो जहाँ वहाँ के जो लोकल एक्टर्स हैं उनको बहुत सपोर्ट है, गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट है, हर चीज़ का सपोर्ट है। सो आई थिंक हमारे यहाँ हम जब आते हैं यहाँ पे और ऐसा नहीं किसी चीज़ की कमी है, देखिए हम जब भी मुझे तो किसी भी इवेंट के लिए अगर बुलाया जाता है एंड इट इज़ टू प्रमोट कल्चर, इट इज़ टू प्रमोट योर स्टेट, कुछ भी हो मैं तो आ ही जाती हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आ जाऊँ, यू नो बिकॉज आई फिनोमिनल चित्रांशी हमारे टूरिज्म को, हमारी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। चित्रांशी अभी आपने नारी शक्ति की बात करी, मुझे सडनली याद आ गया आपने मूवी के अंदर चक दे इंडिया में एक गोल पास किया था विच यू आर सपोज टू डू इट और आपने उसको पास किया कि उस लौंडे को दिखा दे कि क्या है तू। हाँ, तो क्या रियल लाइफ में भी चित्रांशी नारी को, महिलाओं को सपोर्ट करती है? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक आजकल हर नारी, हर आदमी नारी को सपोर्ट ही कर रहा है बिकॉज इट इज द एज ऑफ द फीमेल, यू नो तो बहुत जरूरी है क्योंकि कितना अच्छा हो गया ना, देखो पहले अब घर में एक बंदा कमाता था अब दोनों कमा रहे हैं। oh, so, yes. ये अगर आप उस इकोनॉमिकली अगर सोचोगे तो ये हमारे हमारी इकोनॉमी तो कितनी बढ़ रही है ना, आप एम्प्लॉयमेंट कितने सारे लोगों को मिल रहा है, अब औरतें क्या है आप कह सकती है ध्रुव आदित्य से शादी के बाद प्रेममयी हुई चित्रांशी। आपको काफी कुछ पता है उस फिल्म में सबसे अच्छी बात ये है कि हम अपने हस्बैंड से मिल गए। ओह यस, बाकी हम नहीं कहना चाहते फिल्म के बारे में। कितने साल हुए ध्रुव से मिले हुए? हमें 11 साल हो गए हैं साथ में, हमारी अच्छी दोस्ती हुई थी, शुरुआत हुई बहुत अच्छी, अभी यहीं पीछे कैमरे के पीछे बैठे हैं, स्माइलिंग, सो आई डोंट नो व्हाट, सच अ फिनोमिनल पर्सनालिटी, मतलब मेरा ध्यान उधर ही जा रहा है बार-बार। ही इज एक्चुअली, ही इज अ वेरी वेरी गुड, आई एम टेलिंग यू, ये सारे जो मम्मियां है ना उन सबका फेवरेट है, ऑल माय फ्रेंड्स मदर दे लव हिम, इवन हिमानी जी लव्स हिम। हिमानी जी लाइक तू हट तू तू इधर आ,
तो तू इधर आ, तो मैं कभी इनसिक्योरिटी फील नहीं होती यार, ये तो गया यार, नहीं नॉट एट ऑल, बिकॉज़ ही बिकॉज़ सी द थिंग इज, बिकॉज़ जहां दोस्ती होती है वहां पे वो इनसिक्योरिटी की जगह नहीं है. आल्सो आई गेट इनफ लव एंड रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग फ्रॉम हिम, सो आई डोंट फील इनसिक्योर, नीदर डज ही, बिकॉज़ हमारी कमाडरी है उस तरीके की, यू नो, वी आर ऑलवेज टुगेदर, वी डू थिंग्स टुगेदर, एंड बिकॉज़ आल्सो वी आर फ्रॉम द सेम फील्ड, सो हमारा जो एक हर चीज को शेयर करने का नजरिया और वो सारी चीजें काफी सिमिलर है. 10 इयर्स में अच्छा खासा बॉन्डिंग हुआ है, एंड डेफिनेटली आफ्टर दैट 11 इयर्स, 11 इयर्स, यस यस यस. अच्छा, मम्मी पापा ने बोला अब तो कर लो, मैंने आपको पैसे खर्च करने, कर लो, कर लो, हम मुझे हमें क्या, हम तो नाच गाने के लिए अपने सारे दोस्तों को बुलाएंगे, वो लोग हम तो मस्ती, हम तो पार्टी करने वाले लोग हैं, हम पार्टी कर लेंगे. तो दिस इज हाउ इट हैपेंड. सो इट वाज, तो तुमने ये नहीं बोला मम्मी पापा को अब मरी हुई भैंस की पूंछ उठाने से क्या फायदा, ये करना है तो कर लेते, नहीं तो फिर क्या. वो डायलॉग मुझे बहुत ही हिट कर गया, मतलब कैन यू प्लीज रिपीट इफ यू डोंट माइंड. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. सो खेलने वाला खेल रहेगा, रोकने वाला फेल रहेगा, जो ज्यादा मरोड़े मूछ, चाट ले जाके भैंस की पूछ. वाओ क्या बात है. मुझे अभी तक याद है वो शाहरुख का डायलॉग, 70 मिनट. ओह यस, ये 70 मिनट तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास दिन होने वाले हैं. बहुत ही फिनोमिनल, मतलब आज भी चलता है, उनके मीम्स तो चलते ही चलते हैं, बट लोगों के अंदर जो एक आज, मतलब आई फील दैट आई वाज सो ब्लेस्ड टू एक्चुअली वर्क इन अ फिल्म व्हिच इज नॉट जस्ट अ कल्ट, बट लोगों को बहुत अलग तरीके से याद है. और आज भी ऐसा लगता है कि यू नो, आप देख, कोई भी स्पोर्ट अगर चल रहा है, इंडिया का कोई भी मैच है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी मैच है, अगर इंडिया जीत रही है तो उसके पीछे चक दे जाएगा. इट वॉज, एंड सुखविंदर सर ने इतना सुंदर गाना गाया है, इतना सुंदर, संदीप सुलेमान ने इतना सुंदर लिखा है. मेरी किस्मत एक्चुअली गानों में बड़ी अच्छी रही है, मेरी तीनों बड़ी पिक्चरों में सुखविंदर सर ने फैशन आई डिड, उसमें भी टाइटल सॉन्ग उन्होंने गाया था, लक मैंने करी थी, आजमा लक, उन वो भी उन्होंने ही गाया, मतलब मेन जो बड़े बड़े गाने हैं सारे, सारे सुखविंदर. लक में कैरेक्टर था जो आपने प्ले किया, हाँ जी, शॉर्टकट, शॉर्टकट, हाँ जी, छोटा पैकेट. यस यस यस. अच्छा, मुझे सडनली भी याद है एक चीज बताओ चित्रांशी, जो मैं हमेशा पूछना चाहता हूँ, बिकॉज गर्ल्स जनरली फील करती है कि भाई अगर हमारी हाइट छोटी रह जाती है, वी आर नॉट एक्सेप्टेड इन टू दिस फील्ड. क्या आपको कभी लगा, या आपको उनको कोई मैसेज देना चाहती है, बिकॉज यू आर सो कॉन्फिडेंट, आप इतना आगे निकल चुकी हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहती हैं, डज इट मेक रियली डिफरेंस, या फिर नहीं, अपने काम से आगे बढ़ जाओ? नहीं, देखिए, काम से तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, स्पेशली अभी के जो टाइम पे है ना, अभी का जो टाइम है, जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं, लड़कियों के लिए, आदमियों के लिए, सबके लिए जो कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं, अब वो काला है, छोटा है, मोटा है, कैसा है, सब में चल रहा है. बट यस, इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड, नॉट दैट आई हैड एनी इशू विद इट, आई वॉज लकी इनफ टू स्टार्ट विद अ फिल्म लाइक चक दे इंडिया, और काम मेरे पास ऑटोमेटिकली आ ही रहा था, और मैं उस टाइम पे उस तरीके का काम कर रही थी जो बहुत अलग अलग मतलब किरदार थे. जब मैंने एक्चुअली करी थी, वो जो मेरा किरदार है वो एक आदमी के लिए लिखा गया. अच्छा. था मुझे डायरेक्टर ने, अच्छा तुम एक बार बताओ, चलो अभी आदमी के लिए लिखा गया, यू हैव अ टॉम बॉय कल्चर, मतलब मैं आसाम राजपाल सबके लिए था, सबको आई थिंक उसमें आधे कास्ट हो चुके थे, और सडनली आई थिंक मेरे डायरेक्टर का दिमाग चेंज हुआ, उन्होंने बोला नहीं मुझे इसमें ये चाहिए, आई वांट शॉर्टकट, और मुझे कैरेक्टर चेंज करना है. उन्होंने स्पेशली मेरे लिए वो कैरेक्टर चेंज किया, क्योंकि उसमें एक हीरोइन थी और उसमें सिर्फ एक लड़की का किरदार सिर्फ इसका था, जिसमें जो हमारा पूरा संबल कास्ट था. तो आई थिंक उस टाइम पे वो चीजें बहुत धीरे धीरे ब्रेक हो रही थी. एंड यस, एक्चुअली मुझे लोग, आई यूज टू मीट सो मेनी प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स, तो कुछ लोग ऐसे भी मिलते थे कि अरे आप तो बड़ी अच्छी कलाकार हो, आप तो दिखती भी बहुत अच्छी हो, आप तो एकदम रानी मुखर्जी जो है वैसा कर सकते हो. मैंने बोला यार मैं क्या बताऊँ आपको, वॉट कैन आई से, यू नो. सो बहुत सारे लोग एक्चुअली क्वाइट फ्रेंकली मिलेंगे आपको, जो आपको चढ़ाएंगे, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी कमियों को निकालेंगे, जो उनकी नज़र में कमियाँ हैं. आप तो सही हो, आप तो आप ही हो, आप तो ऐसे ही जी रहे हो, आपका सब बढ़िया है, यू हैव योर कॉन्फिडेंस, यू नो वॉट यू डूइंग, यू नो वॉट यू can do very good, but there will be people who will put you down. Okay. और वो हर field में होता है, actually. हर field में होता है. तो चित्रांशी कहना चाहती है कि confidence से आप आगे निकल सकते हैं. It does not make a difference आपका color कैसा है, आपकी height कैसी है, आपका confidence होना चाहिए. Look at चित्रांशी, she is a fashion icon.
आज की डेट में लोग देखते हैं मोर फैशन. अभी आपने बोला ना फैशन में मैंने काम किया. हाँ मतलब ये ऑफ कोर्स फिल्म फैशन में काम किया है मैंने. बट यस आई मीन मतलब ये अपनी खुद की एक लर्निंग है. देखो मुझे लगता है कोई दूसरा बोल दे वो उससे नहीं सीखता इंसान. सबको अपने खुद के एक्सपीरियंस से ही सीखना. मुझे सडनली कुछ चीज याद है. आपका आपने बोला एक्सपीरियंस से याद आता है. आपने नेशनल खेला हॉकी के लिए तो आपको कभी लगता नहीं क्या मेरा एक्सपीरियंस जो है हॉकी का वो मैं इंडिया के लिए ओलंपिक भी खेल सकती थी आगे बढ़ सकती थी ओलंपिक. मेरा ऐसा वो नहीं था. मुझे खेलना था. Okay. मैं जब मेरी एक्चुअली फिल्म में सिलेक्शन हुआ था तो उससे पहले आई वाज प्रेपिंग माय सेल्फ कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है. ये मेरी लाइफ का मुद्दा मतलब ऐसा टारगेट था कि मुझे इंडिया लिखा हुआ जर्सी पहननी है एंड वन डे आई विल रिप्रेजेंट माय कंट्री इन हॉकी. क्योंकि आज भी जो बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ हमने कैंप किए हैं साथ में हरिद्वार की दो कटारिया सिस्टर हैं यहीं पे हरिद्वार की उनके साथ मैंने इतना कैंप किया है. आज वो इंडियन हॉकी टीम में हैं और इतना अच्छा खेल रही हैं इतना नाम कमा रही हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. उनसे बातचीत होती है मेरी. मैंने यार तुम दोनों बहने बहुत अच्छा कर रही हो. मुझे बहुत खुशी होती है. तुम बहुत अच्छा कर रही हो इस फील्ड में हम कर रहे हैं हॉकी. ऑफकोर्स ये देखिए लाइफ बदल गई वो अलग चीज है बट हमेशा से यही था. तो एक्चुअली जब चकदे में हम वो सीन है हमारी फिल्म में उसमें जब हमको सबको जर्सी मिलती है जिसमें लिखा है मतलब कि इंडिया ऐसा नाम है तो मुझे डायरेक्टर ने स्पेशली कहा था क्योंकि मैंने उनको सबसे पहले कहा था सर मेरे को ये फिल्म का पता नहीं है मुझे मैं इंडिया के लिए खेलने के लिए रेडी हूं. मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट मुझे इंडिया खेलना चाहिए. उन्होंने मुझे स्पेशली जो वो जर्सी आई थी उन्होंने बोला कि तुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है इंडिया की जर्सी तू पहन तो रही है कम से कम फिल्मों में. आई सेड ओके दैट्स कूल. अच्छा एक चीज बताओ मुझे आपने जैसे भी मूवी की बात कर रहे चक दे यू आर द बेस्ट हॉकी प्लेयर देयर. बाकी सब तो आई बिलीव नॉन हॉकी प्लेयर्स रहे होंगे. कुछ जैसे सागरिका थी उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी से खेला हुआ था. अच्छा. हर किसी का कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड था बिकॉज कोई जूडो प्लेयर था मतलब जितनी भी इसमें लड़कियां थी किसी ना किसी का कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड था. तो कभी आपको ये नहीं लगा मैं आई एम द बॉस मैं बहुत ज्यादा नेशनल खेल के आया हूं बिकॉज़ वो तो नेशनल खेलने वाला नहीं था. जैसे शाहरुख भी लड़कियों से पूछना चाहिए क्योंकि मुझे क्योंकि है हमारी एक दो की यार चिट्टू मुझे सब प्यार से चिट्टू बुलाते हैं बिकॉज चित्राशी तो ये बोलते है की यार तू जब आई थी ना तू तेरा एटीट्यूड ही अलग था. सबके ना वो क्या बोलते है ना स्टैंड सी ठीक करती रहती है. मेरी हॉकी थोड़ी सी भारी होनी चाहिए. सब ड्रामे जो थे सारे जो होते शाहरुख से कोई टसल हुई क्या मूवी ये में? हुई थी ना लो भैया आज ही मैंने बताया. मैंने बोला शाहरुख सर पहली बार आए हम सारी लड़कियों से मिलने हमारा प्रैक्टिस वगैरह हो गया था. पहली बार आए वो और बहुत अच्छा उन्होंने डॉन वन की शूटिंग करके उनका चल रहा था उस वक्त. अच्छा. तो सारी लड़कियों से मिले वो हॉकी ग्राउंड में और हॉकी लेकर तो बेसिकली डॉन को आपने पकड़ लिया. डॉन की शूटिंग चल रही थी. नहीं नहीं आई वाज जस्ट बीइंग कॉकी विद हिम. सो आए तो हॉकी स्टिक लेकर आए तो मैंने सर को देखा अगेन. आई वाज वेरी मैं नेशनल खेली मुझे बहुत 7-8 साल हो गए हैं. मैं इंडिया के लिए खेलने अपना एटीट्यूड हाई मेरा एटीट्यूड बहुत हाई एंड आई वाज आल्सो वेरी I was the best player in my team. I understand. मैं स्कूल में मुझे जब से मैंने खेलना शुरू किया था नॉट पहले मैंने वो अपना ये कॉन्फिडेंस देखा जब मैंने बोला आई वाज द बेस्ट प्लेयर इन द फील्ड मतलब वो आई कैन सी द ऑरा ऑन योर फेस भाई साहब कमाल है. नो बिकॉज़ आई वाज जेन्युइनली द बेस्ट प्लेयर बिकॉज़ आई वाज दैट गुड दैट्स व्हाई आई हैड दैट aspiration ki I will play for India and I will represent my country because I was that good. Actually aap film mein jo dekhte ho na all that dribble it's everything is real. Usme koi camera action nahi hai ki speed kiya slow kiya hai wo sara real hai because main abhi bata rahi thi yahan students ko maine bola ki main ye bolti thi ki mujhe aap camera follow kar le mujhe main bina ball ke nahi bhag sakti. Mere paas ball hogi to tabhi main bhagunga warna ye khali main mujhse nahi chalne wali. Kya baat hai. So isliye to jab Shahrukh sir aaye to unki hockey मैंने देखी तो मैंने सर को सीधा सर को ऐसे उठ के बोला मैंने सर इन्होंने ना आपको बिगनर की हॉकी दी है. वो भी यूनिवर्सिटी खेले हुए हैं. अच्छा यस शाहरुख सर प्लेड यूनिवर्सिटी इन दिल्ली हिंदू कॉलेज में. यस तो उन्होंने हॉकी खेली भी उन्होंने फुटबॉल भी खेली है. तो मुझे क्या पता था उस वक्त मैंने कह दिया तो बोला मुझे देखते हैं ऐसे करके कि ये कौन है पिद्दी ये कौन है छोटा पैकेट बड़ा तुम्हारे लिए सो क्यूट. अच्छा चल ठीक है फिर दिखा मेरे को दिखाते हैं. तो हम आपने खेला दोनों साथ में. हमारी वहां से बैट शुरू हो गई थी. ओके. वो पूरे थ्रू आउट चक दे हम दोनों का सिर्फ एक ही कैरेक्टर था. अगर शूटिंग के बीच में हमें थोड़ा टाइम मिला है तो हमारी सिर्फ बैट चलती थी कि वो गोलकीपर है. पांच गोल मिलेंगे पांच
ट्राई मिलेंगे, तू पांच मैं पांच, हमें से जो पहले मारेगा वो जीतेगा। तो वहां से हमारा एक आइस ब्रेक हुआ है। किसने किसको हराया, चलो ये बता दो आज, सीक्रेट बता दो सबको आज। ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, ये तो ध्यान ही नहीं दिया, पांच पांच मिले थे भाई, नहीं ऐसा नहीं दिया। ये तो हार जीत से मतलब, ये ना कैरेक्टर देख रहे हो, ये ना एक्टर्स जो है ना, ये कलाकार दूसरे की तारीफ करते हैं। ये अच्छा सडनली याद आया कलाकार पे, ये कलाकार कभी मरा नहीं करते, ये तारीफ के मोहताज होते हैं, इनको जिंदा दफनाया जाता है, जब देखो तालियों के मोहताज होते हैं, जब चाहो तब निकाल लो इनको। सही बात है, क्या बात है चित्रांशि, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा कुछ ऐसा ध्रुव आदित्य के साथ अपनी मूवी में या किसी भी तरह कोई ऐसी मोमेंट जो आप बताना चाहती है विद ध्रुव? अरे ध्रुव के मूवी तो कुछ भी नहीं थी, मूवी में तो हम सो फनी, मूवी में ही वो जस्ट वनडे का बॉयफ्रेंड। अच्छा वनडे का बॉयफ्रेंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया आज तो। वी जस्ट बिकेम फ्रेंड्स, वी हैड अ सिमिलर टेस्ट इन म्यूजिक, ओके, और हमें पिक्चरें देखने का बहुत शौक था। ही लव्स हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो सब इनका बहुत रुझान है। कुछ भी पूछ लो, मैं बता रही हूँ। तुम स्पोर्ट्स में और पढ़ाई में? मैं बता रही हूँ पढ़ाई नहीं, हिस्ट्री। अच्छा इसलिए पढ़ाई से कोई ऐसा ज्यादा वो नहीं है, हिस्ट्री नॉलेज वो उनकी बहुत अलग तरीके की नॉलेज है। तो हम क्योंकि बड़ौदा में शूट कर रहे थे, वहाँ बड़ौदा पैलेस है, तो हम लोग घूमे वहाँ पे, हमारे और भी एक दो और लोग दोस्त थे, तो हमारा काफी अच्छा कनेक्शन हो गया। इंटरेस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर में काफी इंटरेस्ट है उनका, तो धीरे धीरे करके हमारे म्यूजिक, हम लोग काफी अंग्रेजी म्यूजिक सुनने वाले लोग, वैसे लड़की जो हरियाणवी बोलती है, उत्तराखंड की लड़की जिसने हिंदी में शायद स्कूलिंग करी होगी। नहीं मैंने इंग्लिश में, स्टडी इन इंग्लिश मीडियम स्कूल आईसीएसई बोर्ड गुरु नानक एकेडमी, बट खेला मैंने हिंदी मीडियम क्योंकि हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उस वक्त यहाँ हुआ करता था, तो मैं यहाँ की डे स्कॉलर थी, नॉट द हॉस्टल, लाइक डे स्कॉलर्स। तो आप लड़के फॉलो करते थे जब स्कूल जाती थी? अरे मैंने बहुत पिटाई करी, मैं कैसे बताऊँ किससे, मतलब रियल कैरेक्टर चकदे में हॉकी लेके निकल आया फिर वो फाइनली है? नॉट रियली, बट या इट इज, क्योंकि आप एक्चुअली स्पोर्ट्स में होते हो ना, तो आपको, आपके लिए आपको करना पड़ता है वो, यू कांट बी सो सॉफ्ट, यू हैव टू नॉट एग्रेसिव बट यू हैव टू बी you know strong, stand for yourself, you have to stand for yourself. आप मैच में इतनी चोटें लग रही हैं, आप गिर रहे हो, कोई मार रहा है आपको, कभी आप गोल कर रहे हो, कभी गोल खा रहे हो, कभी आप डिफेंड कर रहे हो, कभी आप अटैक कर रहे हो, कोई आपका अटैक को कोई ऐसे आपके मुंह से बॉल लेके जा रहा है, ईगो हर्ट होती है, ये सारी चीजें आप सीखते हो ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड। चितांशी एक छोटी सी पहल है उत्तराखंड गवर्नमेंट की, ये हिलांस महिलाओं के लिए, जो महिलाएं उत्तराखंड में काम करती है, आप भी बहुत नारी शक्ति की अभी आप बताए, आप सपोर्ट करती है, ये जितनी महिलाएं उत्तराखंड में काम करती हैं, फाइनेंशियली गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है और फिर उनके प्रोडक्ट को खरीदती है और उनको बेचती है, जैसे प्योर ऑथेंटिक हिलांस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो मैं ये आपको गिफ्ट करना चाहूंगा, ये ब्राउन राइस है, राजमा है और लाल 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 राइस है, ये सब आपको बहुत पसंद आएगा, ये सब ये देखिए, अगर आप, इफ यू कैन जस्ट होल्ड इट फॉर मी। मैं तो अभी बात कर रही थी कि मैं देहरादून और उत्तराखंड जब भी आती हूँ सिर्फ यहाँ से राशन लेके जाती हूँ बॉम्बे, तो ये राशन हम आपको दे देंगे और हम आपके घर आएंगे खाने के लिए जब बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ध्रुव सर हम आ जाए आपके घर, अरे ध्रुव ही तो बनाते हैं खाना। बनाना ध्रुव ही है, तो ये ऑल द पहाड़ी स्टफ ना। ओह ग्रेट, तो ये देखिए ये सब खीर है, जिगोरे खीर और राजमा, दिस इज मंडुआ ऑफ कोर्स, मंडुआ और मुंशियारी का राजमा है, मुंशियारी का, ओ दिस इज, देखो ये थोड़ा सा अलग होता है, मुंशियारी का राजमा अलग टेस्ट होता है इसका, बिल्कुल बिल्कुल, जौनसार का अलग है, मुंशियारी का अलग है, गढ़वाल का, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ। और ध्रुव आपका काम बनने वाला भाई, ये पांच दालें आप बनाने वाले हो घर जाके, और हमें आप इन्वाइट करेंगे, हम उत्तराखंड से आएंगे आपके घर खाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, एंड दिस इज फॉर यू, चित्रांशी थैंक यू सो मच हमसे बात करने, थैंक यू सो मच, हमें बहुत अच्छा लगा, शी इज द एनर्जी पैक्ड, मैं इनको रणवीर सिंह बुलाऊं तो बुरा नहीं, इतनी एनर्जी इनके अंदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली, मुझे बहुत अच्छा लगा।